हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 26 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेजरमेंट लेना तो हमने सीख लिया है और वो भी स्टिच ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लेते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अब हम उस मेजरमेंट का यूज़ करके नेक्स्ट ब्लाउज स्टिच करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक कटिंग करेंगे, फिर हम पूरा ब्लाउज बनाएंगे। और इस बार तो हम आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी डिमांड पर लेकर आए हैं आपका फेवरेट ब्लाउज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी ब्लाउज को कटिंग करना है। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा लेंथ 15 इंच है और हमारा शोल्डर 13.5 है। हमने जो फ्रंट क्रॉस लिया है वो 13 इंच लिया है और बैक क्रॉस 14 इंच लिया है। इससे पहले जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखिए कि किस तरीके से सिला हुए ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लिया जाता है और इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्मोल है वो 16 इंच है, अपर बस्ट 36 है और बस्ट साइज 37.5 है। वेस्ट पॉइंट हमारा 29.5 है। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपना ब्लाउज़ कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज़ वी शेप में बनाने वाली हूँ। तो वी शेप जो ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें बहुत सारी तरीके के ब्लाउज़ बनते हैं। जैसे अभी मैं एक ब्लाउज़ ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करेंगे, फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करने के बाद बैक पार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम प्रिंसेस वाली शेप को किस तरह से कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये साइज़ हमारा 36 में भी काम करेगा और 38 में भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइज़ 37.5 है। ब्लाउज़ हमारा कट स्लीव रहेगा, ब्लाउज़ को फ्रंट से ओपन करना है। और जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हमें वी शेप बनाना है। इसी तरह से बैक पार्ट भी बनाएंगे, बैक पार्ट में भी आपको वी शेप ही बनाना है, क्योंकि वी शेप जब बनाते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वी शेप बना तो रहे हैं लेकिन कौन से स्टाइल का बनाना है। क्योंकि यहाँ पे वी शेप मैं आपको तीन तरीके के बताऊँगी। पहले एक्सप्लेन यही कर लेती हूँ कि अगर आप वी शेप बना रहे हैं तो किस तरह से बना रहे हैं। बैक में हमें यहाँ पर डार्ट डालना है, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी वी शेप बनाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे। फ्रंट से ओपन रखने वाले हैं, बैक से ओपन नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फ्रंट से ओपन के साथ साथ हमारा ब्लाउज़ प्रिंसेस कट में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ का ड्रॉ किया है, ताकि आपको भी पता रहे कि हम जो ब्लाउज़ बना रहे हैं वो ब्लाउज़ किस टाइप का बनने वाला है। तो जो वी शेप हम बनाएंगे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले नंबर वन पे आता है वी शेप, जो हमें बिल्कुल वी शेप में बनाना होता है, मतलब ये प्रॉपर वी शेप है। उसके बाद हल्का कर्व में वी शेप आता है सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आता है डीप कर्व। तो तीनों शेप ही यहाँ पर वी शेप है, लेकिन क्लाइंट कौन सा पसंद कर रहा है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, हमने नाम नोट कर लिए यहाँ पे। नंबर वन साइज जब आप बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए आपको स्ट्रेट स्केल का यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका वी शेप बन रहा है तो कितना डीप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वी शेप जो बन रहा है वो प्रॉपर डीप है, मतलब वैसे डीप बना रहे हैं, लेंथ में डीप नहीं बना रहे हैं। अगर लेंथ में डीप बनाएंगे तो नंबर वन आपको लेना है, अगर थोड़ा छोटा रखना है तो नंबर टू लेना है, और अगर बहुत छोटे वाला है तो हम नंबर थर्ड लेंगे। यहाँ पर हमारा जो शेप रहेगा वो नंबर थर्ड रहेगा। नंबर थर्ड के लिए आपको कौन सा स्केल यूज़ करना है, नंबर सेकेंड के लिए कौन सा स्केल यूज़ करना है और नंबर वन के लिए कौन सा स्केल यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको नंबर वन के लिए बताऊँगी। नंबर वन पे आपको स्ट्रेट स्केल का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो वी शेप होता है ये प्रॉपर वी शेप होता है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट स्केल यूज़ करना है।
स्ट्रेट स्केल के बाद आप नंबर टू पे चलेंगे। नंबर टू जब भी आप नेक बनाएंगे इसमें आपका हल्का कर्व होता है, इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रेट स्केल यूज़ नहीं करेंगे, लैग कर्व स्केल यूज़ करेंगे। नंबर थर्ड में आपको फ्रेंच कर्व स्केल यूज़ करना है, और इन तीनों नेक के ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पता रहे कि कौन सा स्केल किस तरह से यूज़ करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको इन तीनों शेप को जानना है कि कौन से स्केल का यूज़ करके किस टाइप का शेप बनाया जाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वी शेप। वी शेप को बनाने के लिए तीन स्केल का यूज़ होता है, स्ट्रेट स्केल, लेग कर्व स्केल और फ्रेंच कर्व स्केल। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से स्केल का यूज़ करके कौन सा शेप बनाना है तो आप मुझे कमेंट करें। ब्लाउज कटिंग करने के लिए मैंने ये लाइनिंग लिया है, कॉटन का लाइनिंग है, और ये मेरा कॉटन का ही मेन फैब्रिक है। अब देखिए कॉटन के फैब्रिक से ही हमें ये ब्लाउज बनाना है, तो पैडेड ब्लाउज बनाएंगे, फ्रंट से ओपन बनाएंगे। फ्रंट से ओपन जब बनाते हैं, प्रिंसेस वाली शेप में बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम इन्हीं पार्ट्स में सीखेंगे। तो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके इस तरह से इस ब्लाउज को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन करके करेंगे। सभी ब्लाउजेस की जो वीडियो होगी, जैसे ये ब्लाउज बना रहे हैं तो इसके सभी पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप स्किप ना कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,